क्यों आए हो एसपी ऑफिस, क्या परेशानी है? संजय नगर में जितेंद्र पटेल करके ठेकेदार रहता है, जिसको मैंने मकान बनाने के लिए दिया था, तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से वो मेरे से पूरे पैसे मकान के ले चुका है, 1.5 लाख रुपया, और मेरे सामान भी जो रखा था मेरा सामान भी सब लेके चला गया, सरिया गीट ईट गिट्टी रेती सीमेंट। और अभी मैं उसके घर जाती हूँ तो आए दिन मेरे से झगड़ा करता है, गालियाँ देता है और अपमानजनक बातें करता है, मेरे को नीच पद्धति की बोलता है, नीच महिला बोलता है। और कभी तुमने जाके वहाँ पे कहीं रिपोर्ट डाले तो मैं कुछ खा लूँगा और तुम्हारा नाम फंसा दूँगा। मैं बड़ी मजबूरी में फंसी हुई, बेटा मैं विधवा महिला हूँ, मैंने प्रधानमंत्री योजना से लोन लिया है, लोन लेके मकान बनवाया, आधा अधूरे में मकान पड़ा है मेरा। मेरे बेटे का भी अभी देहांत हो गया है, 1 साल हो गया, स्लो अटैक आया था उसको, और अभी मैं ये बच्चे का ही मकान बना रही थी, ये मेरे पैसे खा गया है जितेंद्र पटेल। इसका जो भांजा है उसने मेरे से 20,000 रुपये लिया कि मैं सामने वाले के दरवाजा लगा के दूंगा तो वो मेरे को 1 लाख रुपया देगा, अम्मा मेरे को 10 मिनट के लिए दो। मेरे से 10 मिनट के लिए मांग के 20,000 रुपये लेके गया, ना मेरे 20,000 रुपये लौटा रहा ना मेरे बट कौन है जो 20,000 ले गया? नीलेश पटेल, उसका पिताजी का नाम दिनेश पटेल। मतलब आपसे उसने, जितेंद्र पटेल ने 1.5 लाख रुपए लिए और सामान भी ले गया? सामान भी लेके गया। अच्छा, तो क्या कह रहा है वो? नहीं बना के रोज बोलता है बना दूंगा, आज 6 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री राय है। कहाँ रहते हैं आप? टेगर कॉलोनी नागेश्वर मंदिर। अच्छा, तो आप पदम नगर थाने गए थे क्या? नहीं, पदम नगर थाने नहीं गए। आपका कौन सा थाना लगता है? मोगढ़ थाना लगता है। अभी आप कहाँ पे आए हैं? एसपी ऑफिस आई हूँ, मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ कि सर मेरी बात सुनेंगे और मेरे साथ न्याय करेंगे, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैं अभी मेरे को अटैक आया था, मैं 1 महीना आईसीयू में भर्ती थी मैं। ठीक है। लाल ईंटों से कहीं ज्यादा मजबूत सीमेंट ईट कर्व स्टोन और पीवर ब्लॉक के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें सागर ब्रिक्स इंडस्ट्री, बड़गांव भीला रोड, खंडवा।